अब खबर जौनपुर से है, जहां पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना दी गई मामले की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मढ़िया थाना क्षेत्र के टेकाढ़ी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ये जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही आपको बताते चलें कि जौनपुर से ये खबर है, जहां पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक में सवार दो लोगों की मौत हुई है, जबकि इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जौनपुर से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, किस वक्त की यह घटना है और बताया जा रहा है कि दो लोगों की इस घटना में मौत भी हुई है? देखिए, आप बता दें कि आपको देर रात की घटना है, जिसमें अनियंत्रित जिस हिसाब से ट्रैक्टर चालक था, अनियंत्रित ले जा रहा था, तभी बाइक सवार को टक्कर मार दी और वहीं मौके पर ही बाइक सवार की मौत होगी। वहीं ट्रैक्टर इतनी तेज स्थानांतरित था कि वो जाकर मार्शल से जाकर डिवाइडर में लड़ गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक की भी मौके पर मौत हो गई। लगातार इस तरह की घटना आज दिन हो रही है, अनियंत्रित होने की वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। इसका ताजा मामला मढ़ियाओं थाना क्षेत्र के टेकाढ़ी गांव का है, जिसमें बाइक चालक और ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है और दोनों मृतकों का पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी ठीक है, बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। जौनपुर से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की और बाइक चालक की दोनों की ही मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से ये घटना हुई है और इस घटना में दो लोगों की मौत हुई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तस्वीर भी हम आपको बाइक और ट्रैक्टर की दिखा रहे हैं, जिन दोनों के बीच में ये टक्कर हुई है और इस टक्कर में बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक और बाइक सवार दोनों की ही मौत हो गई है। और इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मढ़ियाहू थाना क्षेत्र के टेकाढ़ी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मारी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक और बाइक सवार दोनों की ही मौत हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब इस मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मढ़ियाहू थाना क्षेत्र के टेकाढ़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जौनपुर से आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मारी है और इस टक्कर इतनी जोरदार थी, इतनी भीषण हादसा था कि आप समझिए कि इस पूरे हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक ट्रैक्टर चालक बताया जा रहा है, जबकि दूसरा बाइक चालक बताया जा रहा है। जौनपुर के मढ़ियाहू थाना क्षेत्र के टेकाढ़ी गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर ये हादसा हुआ है और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक ने भी अपनी जान गंवाई है और बाइक सवार ने भी अपनी जान गंवाई है। और आप इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितनी भीषण थी, इतनी भीषण कि दोनों की ही मौत हो गई है। और दरअसल पूरी जो ये घटनाक्रम है, इसकी वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। तेज रफ्तार के चलते दोनों लोगों की मौत हुई है और तेज रफ्तार का ये नतीजा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने भी अपनी जान गंवाई है और बाइक चालक ने भी अपनी जान गंवाई है। हादसे में दो लोगों की क्योंकि मौत हुई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।